ये काम के बारे में निर्णय हम लोगों ने 2013 में ही कर लिया था और जो ये पुल का निर्माण हो गया दीघा में तो उसके अप्रोच के लिए ही हम लोगों का उसी समय का ये सोच था कि इसको हम लोग एलिवेटेड बनाएं। और आप देख लीजिएगा कि ये विशेष तौर पर है, एक नीचे सड़क है उसके ऊपर एलिवेटेड है और उसके बाद उसको भी एक और उसके ऊपर एलिवेटेड क्रॉस कर रहा है। ये पहली बार सोचा गया और उसके बारे में केंद्र सरकार के भी अधिकारी आए, सब लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा आइडिया है, तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ। और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका लक्ष्य, लेकिन चूंकि आरओबी बनने में देर हुई और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। अब चूंकि आरओबी जरूरी था, जब आरओबी बन गया रोड ओवर ब्रिज, तो उसके बाद लिंक हो गया और अब आप समझ लीजिए कि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत होगी। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं है, नीचे से भी आने का रास्ता है और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो वैसी स्थिति में जो ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए, बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि हम लोग उसको 2018 में कर देते, लेकिन उसके बाद चूंकि आरओबी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा तो अब फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला तो बड़ी खुशी। देखिए एक बात आप जान लीजिए कि अभी जो बात चल रही है, ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि हम लोग किसानों से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं, प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली है। और आप तो जान रहे हैं बिहार में हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही ने खत्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं, और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली है। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा, इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में अकारण हो रहा है, ये किसी चीज के बारे में एक गलतफहमी है। और बिहार तो इसका उदाहरण है, 2006 आप बिहार का तो उदाहरण देख लीजिए ना, ये तो 2006 के बाद से ही हम लोगों ने इस काम को यहाँ पर शुरू किया है, तो देखना चाहिए। और हम लोग प्रोक्योरमेंट शुरू किए और कितने बड़े बड़े पैमाने प्रोक्योरमेंट, और इस बार तो हम लोगों का लक्ष्य है कि 30 लाख टन से भी ज्यादा प्रोक्योरमेंट होगा, चाहे जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा, तो हम लोग तो जानते हैं और देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक बातचीत नहीं होगी और जो लोग भी अभियान चला रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनको भी चाहिए बातचीत करना। केंद्र सरकार के साथ लोग बातचीत करेंगे तभी तो बात सामने आएगी, नहीं तो मान लीजिए कि कोई इस व्यापार में लगा हुआ था तो वो क्या सोच रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो पूरे तौर पर किसानों के हित में ये काम है, ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है, तो इसलिए इसके बारे में ठीक ढंग से डायलॉग होना चाहिए। और जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, लोगों को बात करना चाहिए।